हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपने कंप्यूटर के अंदर का जितना भी वायरसेस फाइल हैं जो ऑटोमेटिक हमेशा चलती रहती हैं, उन सभी को आप किस तरीके से देख सकते हैं और किस तरीके से देखकर आप अपने उन सभी वायरस फाइल को ऑटोमेटिक जो रन होता है उसको आप कैसे बंद कर सकते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो आप बने रहिए वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक, मैं बताऊँगा आपको वायरस को फाइंड करना। ओके, इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको अपना सीएमडी प्रॉम्प्ट ओपन कर लेना है। इसके लिए आपको यहाँ पे विंडो आर प्रेस करके आपको जस्ट यहाँ पे टाइप करना है सीएमडी। इसके बाद आप यहाँ से ओके करके आप अपना सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लीजिए। इसको ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एक कोड टाइप करना है, जो कोड मैं टाइप कर रहा हूँ वो आप भी टाइप करिए। तो मैंने यहाँ पे कोड ये टाइप कर दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कोड टाइप कर दिया, मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया WMIC प्रोसेस स्पेस गेट स्पेस प्रोसेस आईडी कॉमा एग्जीक्यूटेबल पाथ। ये टाइप करने के बाद सिंपल आपको अपने कीबोर्ड से इंटर का बटन प्रेस करना है। ये प्रेस करते ही आप देख सकते हैं आपका जो पूरा प्रोग्राम है ये रन हो गया है। प्रोग्राम को रन होने के बाद आप देख सकते हैं आपका जो रिजल्ट है ये यहाँ पे आ गया है। और इसके अंदर जो भी यहाँ पे फाइलें दिख रही हैं, इसमें से आपको कोई भी फाइल अगर गलत लगे या आपको ऐसा लगे कि ये जो फाइल है ये आपके काम की नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि जो ये फाइल है ये गलत है। तो आप इसको इस लोकेशन के ऊपर जाकर आप अपने फाइल को डिलीट कर सकते हैं। ये दिया इसका पाथ, आप यहाँ पे इस पाथ पे जाकर आप अपने फाइल को डिलीट कर सकते हैं। ओके, तो ये था एक छोटा सा तरीका जिससे आप अपने कंप्यूटर के अंदर का वायरसेज देख सकते हैं, जिससे फालतू जो वायरस होते हैं उन सभी को देख सकते हैं। अगर इसमें से कोई हार्मफुल वायरस है तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं इन सभी पाथ के ऊपर जाकर। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस करें।